जब मैं छोटा था तो मेरी पड़ोस की आंटी घर में स्टील के बॉक्स में कुछ खाने की गिफ्ट लेके आई, मम्मी जी को दिया। दूसरे दिन मम्मी ने वही बॉक्स स्टील का मुझे आंटी को बगल में लौटाने के लिए दिया। जब मैंने बॉक्स उठाया तो उसमें कुछ भरा सा महसूस हुआ, तो मैंने पूछा माँ से, अपनी माँ, ये उन्होंने मुझे हमें खाने के लिए दिया, आप इसमें क्या डाल के दे रहे? तो माँ ने बोला कि वो खाली बॉक्स किसी को लौटाया नहीं जाता, अच्छा नहीं लगता। तो ये छोटा सा थैंक्स है उनके लिए जिन्होंने हमें ये सामान दिया। अगल बगल के अड़ोस पड़ोस में जब जन्मदिन में किसी के यहाँ जाते थे तो उनके घर वाले जब हम लोग लौटते थे तो वो हमको रिटर्न गिफ्ट देते थे, थैंक्स कि आप हमारे बच्चे के जन्मदिन पे आए, गिफ्ट लेके आए, समय दिया, उसके लिए थैंक्स। अभी कोरोना काल बीता है, आपने महसूस किया होगा कि जो ऑक्सीजन हम पूरी ताउम्र ले रहे हैं उस ऑक्सीजन की वैल्यू को आपने एहसास किया होगा। चंद घंटों के लिए लोग हजारों रुपए देने को तैयार थे लेकिन वो ऑक्सीजन हमें नहीं मिल पा रहा था, उस ऑक्सीजन की वैल्यू का हमें पता चला। तो दोस्तों, इस प्रकृति में, इस परमात्मा ने हमें इतने सारी गिफ्ट दी हुई है, ऑक्सीजन, पेड़ पौधे, बहुत कुछ दिया। आपने कुछ रिटर्न गिफ्ट दिया है? आप ये सोच रहे होंगे कि हम इतनी बड़ी प्रकृति, इतनी बड़ी परमात्मा को सिर्फ धन्यवाद दे सकते हैं, तो खाली खाली धन्यवाद मत दीजिए, प्रकृति को, परमात्मा को भी कुछ रिटर्न गिफ्ट दीजिए। मानसून आया हुआ है, पूरी प्रकृति अपने उफान पे है। आइए आज ही संकल्प लें कि हम हर मानसून में 5 वृक्षों को 5 पौधों को अपने आसपास जरूर लगाएंगे और इस ऑक्सीजन में, प्रकृति में हम अपना योगदान देंगे, प्रकृति के सृजन में हम लोग भी अपना योगदान देंगे। और सिर्फ 5 पेड़ों को लगाना ही नहीं, उनकी देखरेख भी करना है कि वो बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। और दोस्तों, विश्वास कीजिए, चंद सालों बाद जब अपने आप लगाए हुए पेड़ों को नज़र डालेंगे तो आपका मन गदगद हो जाएगा और खुशी होगी कि हम इस प्रकृति के सृजन में सहभागीदार भी हैं। आइए दोस्तों, किसी भी शुभ मुहूर्त का इंतजार न करें, किसी भी पर्यावरण दिवस, किसी जन्मदिन का इंतजार न करें, आज ही अपना हाथ उठाएं और अपने वृक्षों को आसपास जरूर लगाएं। थैंक्स, धन्यवाद।